24 घंटा लाइव, और इस वक्त हम मौजूद हैं भाटपाड़ा के 6 नंबर साइटिंग के नज़दीक। और यहाँ पे आरोप है कि एक बम से हमला किया गया है इस इलाके में। अच्छा ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है बम से हमला हुआ है, और यहाँ पे देखा जा रहा है गणेश पूजा का आगाज है, आज पहला दिन है गणेश पूजा का। धीरे धीरे यहाँ का जनजीवन जो है सामान्य होने के कगार पे था, लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि गणेश पूजा के दौरान भी इस तरीके का फिर से एक माहौल तैयार हो सकता है, और आज वो जो है सच साबित हुआ। और आज देखा गया इस 6 नंबर साइटिन के पास जो है फिर से आज बमों की बौछार शुरू हो गई, और फिलहाल जो है यहाँ के लोग हैं आतंक में। आइए बात करते हैं, महिलाएं जो है क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये जो आज 2 बम गिरा है, एक इंसान आज बच गया है, उसके सामने गिरा वो फटा नहीं है, और ये ऐसा फटा है, एक बच्चा था उसको लगा नहीं, और ये एक महीने से बंद नहीं था, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये बोलने रोज एक दो रोज एक दो हो रहा है। हम लोग थाना गिराओ किए, थाना में कंप्लेन भी किए हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। थाना वाला लोग क्या कर रहा है? हम ही लोग आदमी को उठा के ले जा रहा है, बेकसूर आदमी सोया है, दरवाजा तोड़ के उसको मारपीट कर रहा है। अगर आपको कोई कुछ मिल रहा है, आपके मेरे खिलाफ कुछ मिल रहा है, तो अब हमको ले जा सकते हो, तब हम आपको कोर्ट में भी, मतलब कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बेवजह आप लोगों को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, परेशान नहीं टॉर्चर कर रही है। दूसरा बात, जो अपोजिट साइड में हम लोग एकदम अपोजिट साइड में कंटिन्यू उधर से ही हमला हो रहा है, हम लोग ये इसके लिए बहुत बार कंप्लेन किए हैं, पर इधर से सुनवाई क्या हो रहा है? जितना वेरिफिकेशन होता है हम लोग के लाइन में होता है, पुलिस ये क्यों नहीं करती है? जो एरिया है पूरा उतना बड़ा कंट्री, ये सामने बिल्डिंग जो हम लोग बोलते हैं आप उसमें वेरिफिकेशन कीजिए, वो नहीं करते, क्यों? उनका जेब में है सारा, मतलब जब मामला हम लोग की तरफ होता है, क्यों? हम लोग कमज़ोर है इतना वो लोग नहीं समझते, अगर हम लोग भी एकजुट हो जाए तो वो लोग नहीं सकेंगे। हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग शांति बनाना चाहते, पर ये लोग शांति करना ही नहीं चाहता। अभी थोड़े कुछ देर पहले कम से कम 100 आदमी होगा, इतना गंदा गंदा रफ लैंग्वेज में गाला गाली किया है, चाहे तो हम लोग भी उसको बोल सकते थे, बेवजह इतना गंदा कि हम आपको बता भी नहीं सकते, और मारने के लिए बोला जो भी किया हम उसको इतना मारेंगे, कुछ कहने लगे। अब वो लोग का टारगेट कि हम लोग लाइन में घुस के उन लोगों को मारे, हमेशा टारगेट रहता है, जब तक ये ऑफिसर घुस जाएंगे इसके घर के उसका दरवाजा तोड़ देंगे। अरे तुम्हारे पास चार्ज है कि नहीं, इस घर में ढुके कि नहीं? हम उपवास उपवास छोड़िए, हम उपवास से बात का बात है, हाँ तुम्हारा घर में इसका इंचार्ज है कि नहीं, इस घर में हम ढुके कि नहीं ढुके? तुम जिसका मन में आता उसका घर में ढुक जाता, क्यों ढुकेगा? वो इंसान सो के है, खा रहा है, क्या कर रहा है? तुम 3 बजे ढुक जाएगा, कब पुलिस 3 बजे रात को ढुक जाएगा, कभी 1 बजे रात को, कोई टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है। जहाँ आपको खोजना चाहिए वहाँ आपको कुछ मिलता नहीं है, जो मिलता है लाइन में मिलता है आपको, वही हिंदू का लड़का, इतना मुस्लिम है आप, एक हो एक तो मुस्लिम हमको दिखाइए जो अभी तक थाना में हो, एक हो कहें, हम लोग लाइन का ही आदमी रहता है जो आपको पकड़ ले जाते हैं। इन लोगों को बोलने से ये लोग क्या करते हैं? आप लोग घर में जाइए, आप लोग घर में जाइए, क्यों हम लोग घर में जाएंगे? हम लोग मरेंगे भी, हम लोग घर में भी जाएंगे, इन लोग क्या कर रहे हैं लोग? तो यहाँ पे जो आरोप है कि लोगों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, और जो यहाँ की महिलाएं हैं, आज तीज का भी त्यौहार है, साथ ही साथ कि जो गणेश चतुर्थी भी आज से जो है गणेश पूजा का भी आगाज हो चुका है, और इस दौरान जो है अशांति का एक माहौल फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो आरोप लगा रही है महिलाएं, जो दंगा जो था या जो भी जो जो समस्याएं थी वो लगातार जारी थी, लेकिन वो छोटे आकार में था, चूँकि आज से पूजा का माहौल फिर से जो है शुरू हो रहा है, आज गणेश पूजा का आज से शुभारम्भ होने जा रहा है, और ऐसे माहौल में भी ऐसी घटनाओं का घटना वास्तव में चिंता की बात है। बैरकपुर कमिश्नरेट के जो कमिश्नर हैं CP साहेब मनोज वर्मा, उनसे सवाल है कि क्या करना चाहते हैं आप, और किस तरीके से आपकी जो है रणनीति है कि यहाँ के लोगों को शांति का माहौल दिया जाए। कैमरामैन के साथ 24 घंटा लाइव के लिए मैं राजीव गुप्ता, देखते रहिए, बने रहिए। सही शुद्ध और हॉलमार्किंग गहनों के लिए हमारे यहाँ आए कस्तूरी द डिजाइनर।